यूक्रेन के लिए कहीं पूजा तो कहीं मांगी जा रही है दुआ। यूक्रेन में फंसे हैं भारत के 16,000 स्टूडेंट। यूपी के छात्रों पर यूक्रेन में हो रहा अत्याचार, देखिए ये वीडियो। यूक्रेन रूस युद्ध का जिक्र कर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा विदेश का बुक करा रहे हैं टिकट। यूक्रेन में युद्ध से उत्तर प्रदेश में भी मचा हड़कंप। नमस्कार, स्वागत है आपका खुरबाजी केस अड्डे पर। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारत के लोग खौफजदा है और सही सलामत अपने देश लौटने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन में भारत के करीब 16,000 स्टूडेंट फंसे हैं, जिन्हें वापस लाने की कवायद की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के सैकड़ों स्टूडेंट्स भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूपी के देवरिया जिले से 3 छात्र प्रणव नाथ सिंह यादव, शक्ति राम सिंह और सुनील मदेशिया यूक्रेन में फंसे हैं। तीनों यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वहाँ के हालात से डरे सहमे हुए हैं और घर वापस आना चाहते हैं। देवरिया में छात्र के परिवार परेशान है और वह भारत सरकार से अपने बच्चों को सुरक्षित वापस बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। बहराइच में सामूहिक पूजा पाठ। इसी तरह बहराइच का छात्र विशेषांक मिश्रा अपनी चचेरी बहन प्रियंका के साथ यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। रूस के यूक्रेन पर शुरू हुए हमले के बाद परिवार की धड़कन बढ़ गई है। परिवार के लोग बच्चों की सलामती के लिए सामूहिक पूजा पाठ करा रहे हैं और लगातार यूक्रेन पर हो रहे हमले की हर अपडेट के लिए टीवी के सामने नजरें गड़ाए हैं। गाजीपुर में सैफ की वापसी की दुआ। गाजीपुर का मोहम्मद सैफ खान भी यूक्रेन में फंसा है। सैफ खान यूक्रेन में इवानो फ्रैंक विस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS का छात्र है। सैफ के पिता शहाबुद्दीन बता रहे हैं कि सैफ के साथ और स्टूडेंट भी फंसे हुए हैं, सभी घबराए हुए हैं। वे लोग भारत सरकार से वहां फंसे छात्रों को निकालने की अपील कर रहे हैं। कानपुर की दो बेटियां फंसी यूक्रेन रिवनिया। कानपुर की दो छात्राएं भी फंस गई हैं। MBBS की पढ़ाई कर रहे जेंसी सिंह और आकांक्षा शुक्ला के परिजन परेशान हैं। जेंसी ने वीडियो कॉल पर बताया कि सभी छात्रों को मुत्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म के अंदर रखा गया है। आकांक्षा की मां का कहना है कि बेटी के पास खाने पीने को कुछ नहीं है, बैंक में भी भीड़ के कारण पैसा नहीं निकल पा रहा है। इटावा का शो भी यूक्रेन में फंसा। इटावा की थाना बकेवर क्षेत्र में कस्बा के मोहल्ला आजाद नगर के रहने वाले मनोज पाठक का पुत्र शुभ पाठक यूक्रेन में बीटे की पढ़ाई कर रहा है और उसको 2 साल हो चुके हैं। वह अभी भी वहां फंसा हुआ है। उसके माता पिता लगातार संपर्क में हैं। पिछली बार शुभ अगस्त में घर आया था और अगस्त के अंतिम सप्ताह में ही यूक्रेन वापस चला गया था। गाजियाबाद के लोनी की विकास कुछ कॉलोनी में रहने वाले शिवम ठाकुर यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए भेजे गए थे। रूस और यूक्रेन के लगातार बिगड़ते हालातों से शिवम यूक्रेन में फंसे हुए हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि वह मोदी सरकार से अपील करते हैं कि शिवम सहित तमाम भारतीय छात्रों को सकुशल भारत वापस लाया जाए। हर पल ब्लास्ट से परिजन बेचैन। आजमगढ़ के 3 स्टूडेंट्स भी यूक्रेन में फंसे हैं। परिजनों का संपर्क स्टूडेंट के साथ बना हुआ है, लेकिन वहां की स्थिति गंभीर होते देख परिजन काफी परेशान हैं और अपने बच्चे की सकुशल वापस लाने की मांग भारत सरकार से कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइव वीडियो भेज रहे हैं, जिसे देखकर परिजन भी हतप्रभ हैं और हर पल हो रहे बम ब्लास्ट से लोगों में दहशत मची। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।